अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ साद फ्रॉम जी एम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे पास वीवो का V21 मोबाइल फ़ोन यूज़ में अवेलेबल है, तो आज मैं आपको भी इसकी जो मार्केट प्राइस चल रही है सेकंड हैंड वो बताऊंगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखना। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और रिंग बेल आइकन को जो है प्रेस कर लें। तो प्राइस जो है इसकी मैं लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इसके जो है कंडीशन चेक करवा देता हूँ। बॉक्स इसके साथ अवेलेबल है, कम्प्लीट बॉक्स में ये सेट अवेलेबल है मेरे पास। कलर बहुत खूबसूरत है, आर्टिक वाइट कलर है ये। तो बाकी आपको मैं एक बार कंडीशन चेक करवा देता हूँ। बैक से बिल्कुल 10x10 कंडीशन है और कलर भी जो है बहुत खूबसूरत कलर है ये। काफ़ी डिमांड थी इसकी वाइट कलर में। रिंग जो है बिल्कुल साफ़ है, किसी किस्म के आपको इसमें निशान वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों साइड से जो रिंग है बिल्कुल साफ़ है, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। टाइप सी जो है आपको इसमें पोर्ट मिलती है, ऑडियो जैक आपको नहीं मिलेगा इसमें। टाइप सी कनेक्टर दिया गया है, वो भी आपको मैं चेक करवाऊंगा बॉक्स में, वो भी मौजूद है। और फ्रंट जो है इसका बिल्कुल साफ़ है, किसी किस्म के आपको जो है निशान वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल साफ़ स्क्रीन है इसकी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और काफ़ी स्लिम डिवाइस है ये, जैसे कि आप देख रहे होंगे। वन हैंड ईजिली आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। वेट जो है, सबसे पहले आपको इसका वेट बताना चाहूँगा। 176 ग्राम जो है सेट का वेट है। अबाउट में आके मैं आपको एक बार डिटेल से चेक भी करवा देता हूँ। चिपसेट जो इसमें लगा हुआ है MTK डायमेंसिटी 800U लगा हुआ है। 6.44 इंचेस जो है स्क्रीन साइज़ है। यू शेप में आपको जो है ये कैमरा मिल जाता है फ्रंट पे। 90Hz का जो है ये रिफ्रेश रेट है। 8GB प्लस 3GB जो है इसमें रैम दी गई है। 128GB इसकी स्टोरेज है। एंड्रॉयड वर्जन जो है इसमें 11 है और मेमोरी कार्ड की डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगी इसमें आपको। बैक साइड पे आपको जो है इसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल मिलता है आपको वाइड एंगल के साथ, प्लस 8 मेगापिक्सल मिलता है आपको अल्ट्रा वाइड एंगल, और प्लस 2 जो है आपको इसमें डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और फ्रंट जो है आपको 44 मेगापिक्सल मिलता है सिंगल वाइड एंगल के साथ मिल जाता है इसमें आपको। बाकी इसमें जो बताना चाहूँगा, 90Hz इसका रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले इसका जो है एमोलेड टच स्क्रीन है। फुल HD प्लस आपको इसमें जो है रेजोल्यूशन मिलते हैं 409 PPI के साथ। और फिंगरप्रिंट जो है अंडर डिस्प्ले दिया गया है। 4000 mAh की बैटरी है इसमें, और जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है 33W के चार्जर के साथ। बाकी डिटेल से भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। पहले डिस्प्ले में आके आपको मैं जो ऑप्शन आ रही हैं वो चेक करवा देता हूँ। हाई प्रोडक्शन की ऑप्शन मिल जाएगी, डार्क थीम की ऑप्शन मिल जाएगी इसमें आपको। यहाँ से आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे कि देख रहे हैं हम 90Hz तक जो है ये सपोर्ट करता है। बाकी इसमें जो ऑप्शंस आ रही है वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। लॉक स्क्रीन में आएंगे, यहाँ से आपके पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन आ जाती है, और थीम्स की आ रही है, वॉलपेपर्स की आ रही है। बैटरी इसकी जो है 4000 mAh बैटरी है, लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है आपको, तो इतना मसला नहीं आएगा यूज़ में। क्विक चार्ज हो जाता है ये, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें आपको जो फिंगरप्रिंट दिया गया है मैं वो भी आपको अभी चेक करवा देता हूँ लगा के। यहाँ से आएंगे आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों की ऑप्शन मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको फिंगरप्रिंट जो है इसका चेक करवा देता हूँ। अमूमन जो है इनके फास्ट होते हैं फिंगरप्रिंट वीवो वगैरह के, इतना कोई इशू नहीं आएगा आपको। और काफ़ी अच्छा मोबाइल है ये, काफ़ी डिमांड थी इसकी मार्केट में जब ये न्यू आया था, और अभी भी यूज़ में काफ़ी डिमांड है इसकी। यहाँ से मैंने फिंगरप्रिंट जो ऐड कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसके बगैर अगर आप बटन प्रेस नहीं करेंगे सामने ऑप्शन आ जाती है फिंगर की। यहाँ से आपने बदल का था टच करना है तो ये ऑन हो जाता है। इसके साथ फेस अनलॉक की भी ऑप्शन दी गई है इसमें, वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। फ़ोन यूज़ करने के लिहाज से काफ़ी अच्छी डिवाइस है। गेमिंग के लिहाज से आपको ये नॉर्मल गेमिंग जो आपकी चलाएगा, अगर आपको पता है 90Hz तक जो है रिफ्रेश रेट है। फेस अनलॉक भी इसका जो है काफ़ी क्विक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और डिस्प्ले भी इसका जो है बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है इसका।
एमोलेड इसकी टच स्क्रीन मिल जाएगी आपको इसमें। बाकी कैमरे वगैरह वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ इसके। कैमरा जो है बैक साइड पे आपको दिया गया है 64 मेगापिक्सल का। जो पहले इसमें ऑप्शन आ रही है वो चेक करवा देता हूँ कि कौन कौन सी इसमें आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगी। फ़ोटो में आएंगे तो आपके पास सुपर वाइड एंगल की ऑप्शन मिल जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कैमरे में जो जो ऑप्शन आ रही है पहले मैं आपको वो चेक करवा देता हूँ। मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली हुई हैं तो वहाँ से आपको वो भी चेक करवा दूँगा। ये इसका बुके इफेक्ट है। मोड में आएंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगी। डबल एक्सपोजर मिल जाएगा इसमें आपको ऑप्शन के साथ। हाई रेजोल्यूशन आ रहा है, स्लोमो आ रहा है, लाइव फ़ोटो की ऑप्शन आ रही है। वीडियो जो है इसमें आपको बताना चाहूँगा जो रिकॉर्डिंग है ऑप्शन 1080 60 FPS तक जो है ये करता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन प्यारा होगा सपोर्ट करता है। 1080 करके 60 FPS तक आप वीडियो बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपके पास ड्यूल वीडियो की ऑप्शन आ रही है, ड्यूल पिक्चर की ऑप्शन आ रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी मोबाइल काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट है कैमरे का वो भी काफ़ी अच्छा है। और रिकॉर्डिंग के लिए देखें जैसे मैंने 60 FPS पे किया है तो ऑटोमेटिक वीडियो जो है स्मूथ हो गई है जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। कुछ पिक्चर्स लिए हैं मैंने फ्रंट और बैक कैमरे से। फ्रंट कैमरा जो है इसका ये फ्रंट कैमरे की पिक्चर है। 44 मेगापिक्सल जो है इसका फ्रंट कैमरा है। ये पोर्ट्रेट के बगैर पिक्चर ली हुई है लेकिन कैमरे की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। कलर्स वगैरह या अगर आप क्लियरिटी की बात करते हैं तो पिक्चर काफ़ी जो है क्लियर है। ये इसके जो है पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर ली हुई है तो जैसे कि आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी जो है इसने पीछे से ब्लर कर दिया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये जो है इसके बैक कैमरे से पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर है। कैमरे इसके काफ़ी अच्छे हैं। ये मैक्रो कैमरे से पिक्चर ली हुई है। ये इसके पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर है। काफ़ी कलर्स वगैरह देख लें आप, काफ़ी अच्छी जो है इसने पिक्चर को क्लिक किया है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है पिक्चर की इस वक्त। ये इसके सुपर वाइड एंगल होता है उसकी पिक्चर ली हुई है। कैमरेज जो हैं इसके बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों ही जो हैं अच्छे कैमरे हैं। 44 मेगापिक्सल जो है फ्रंट है, 64 मेगापिक्सल बैक है। कैमरे जो है इसके दोनों आउटस्टैंडिंग हैं, अच्छे कैमरे हैं, पसंद आएंगे आपको उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा बाकी जो है सेट यूज़ करने के लिए आज से भी अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं या अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं उस लिहाज से भी काफ़ी जो है अच्छी डिवाइस है और 10x10 जो है सेट की कंडीशन है। बाकी इसका जो वारंटी बताना चाहूँगा, इस सेट की जो वारंटी है मेरे पास अराउंड 10 मंथ्स इसकी वारंटी जो है अभी रहती है। 2 से तकरीबन 2.5 माह जो है ये सेट यूज्ड है। बाकी जो इसके साथ सामान मिल जाएगा आपको, इसका जो ओरिजिनल सामान है वो मिल जाएगा आपको। चार्जर जो है इसका जो बॉक्स में निकलता है वो आपको 9 वाट और 2 एम्पीयर 18 वाट तक जो है ये मिल जाता है बॉक्स में जो आता है। सपोर्ट ये जो है 33 वाट तक सपोर्ट करता है। ये आपको इसका ओरिजिनल चार्जर मिल जाएगा। केबल ज़रा इसकी नाजुक हालत में है जैसे कि आप देख रहे होंगे, टेप लगी हुई है लेकिन ओरिजिनल केबल मिलेगी आपको। ये इसकी मैं बात कर रहा था टाइप सी कनेक्टर की, ओरिजिनल आपको ये टाइप सी कनेक्टर मिल जाएगा क्योंकि आपको पता है कि ऑडियो जैक इसमें नहीं दिया गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका ये गुम हो जाता है या अगर आप बाद में ये लेते हैं क्योंकि बाद में जो आता है वो ओरिजिनल तो नहीं होता तो बाद में फिर अक्सर कस्टमर को शिकायत आती है कि साउंड क्वालिटी उनको उस तरह से नहीं मिलती हैंड फ्री में, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसकी साउंड क्वालिटी वगैरह हर चीज़ प्रॉपर काम करती है। और ये आपको जो है वीवो की हैंड फ्री मिल जाएगी। बाकी जो है सेट मैंने बताया कि जैसे कि आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, क्वालिटी वगैरह भी इसकी काफ़ी अच्छी है कैमरों की और यूज़ करने के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी डिवाइस है। प्राइस जो है इसकी बताना चाहूँगा 47,000 रुपीज़ सेट की प्राइस है। जो भी कस्टमर परचेज करना चाहते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना फेसबुक और फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GM Tech।